नमस्कार, स्वागत है आप सभी का निवेश के एबीसीडी में। मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल और एक ऐसा शो जहां पर हम आपके इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में आपको क्या रणनीति अपनानी चाहिए, कैसे बाजार को समझना चाहिए और कैसे इक्विटी जैसे एसेट क्लास का फायदा उठाना चाहिए लंबी अवधि में, सही निवेश की रणनीति को अपना कर ये समझाने की कोशिश करते हैं एक बेहद खास मेहमान के साथ। और आज भी हमारे साथ एक बेहद खास मेहमान जुड़ गए हैं। हमारे साथ है विनीत सांबरे, हेड इक्विटीज डीएसपी म्यूचुअल फंड। विनीत, आपका बहुत बहुत धन्यवाद समय निकालने के लिए। निवेश की एबीसीडी हमारा एक ऐसा शो है जहां पर हम निवेश की भाषा को बहुत बारीक तरीके से और आसान भाषा में निवेशकों को, दर्शकों को समझाते हैं ताकि वो अपने पोर्टफोलियो को लेकर सही समझ भी पा सके और साथ ही उसका अमल कर सके अपने निवेश के पोर्टफोलियो में। तो मौजूदा स्थिति जो है बाज़ार की, उसी पर मैं शुरुआत करना चाहूँगी। अमूमन हम कहते हैं कि निवेश आपको लंबी अवधि के लिए करना चाहिए, खासतौर से इक्विटी इस तरह का एसेट क्लास से जहां पर आपका नजरिया अगर लंबा हो तो इसमें आ रहे उतार चढ़ाव से आपको फायदा हो सकता है। लेकिन फिलहाल जो समीकरण बन रहे हैं इस पर थोड़ा सा हम मंथन करते हैं, क्योंकि एक तरफ हम देख रहे हैं कि घरेलू फ्रंट पर उम्मीद तो ये की जा रही थी कि आरबीआई जो है वो ब्याज दरों को थोड़ा सा पॉज कर देगा, एक ब्रेक लगा देगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। उसके बाद हमने जो महंगाई का आंकड़ा देखा वो एक बार फिर से आरबीआई के कंफर्ट लेवल के बाहर जाता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि और डेटा आएगा उसके बाद ही पता चलेगा कि लगातार बढ़ती हुई दिखाई देंगी ब्याज दरें या पॉज बटन हमें दिखाई देगा। इंटरनेशनल फ्रंट पर अगर हम देखें, ग्लोबल फ्रंट पर देखें, तो वहाँ बढ़ती हुई महंगाई एक बहुत बड़ा सिरदर्द है और जिस तरह का डेटा आ रहा है उससे ये तो कतई लगता नहीं है कि जल्दी थमेगा ब्याज दरें बढ़ने का ये सिलसिला। अब अगर मैं जानती हूँ बहुत ज़्यादा शॉर्ट टर्म व्यू आप नहीं देना पसंद करते हैं, लेकिन अगर मैं कुछ तिमाहियों का नज़रिया इस मौजूदा समीकरण को देखते हुए समझना चाहूँ तो आप कैसे समझाएंगे दर्शकों को? तो सबसे पहले तो धन्यवाद मुझे आपके शो पे बुलाने के लिए, और मैं पूरी तरह से कोशिश करूँगा कि इसको सिंपल तरीके में हम समझा पाएँ। सो आई थिंक सबसे पहले तो ब्याज दर बढ़ने का जो एक थॉट प्रोसेस होता है कि इन्फ्लेशन जब इकोनॉमीज में बढ़ता है तो उसको कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट को जो है ब्याज दर बढ़ाने पड़ते हैं, ताकि जो जिस तरह से इकोनॉमी जोर से रन कर रही है उसको ये थोड़ा धीमी गति में ला पाए ताकि इन्फ्लेशन कंट्रोल में आ पाए। क्योंकि इन्फ्लेशन जनरली ऐसा होता है कि जो सिटीजन्स है उनके जो सेविंग्स है उनके उनको लॉन्ग टर्म में वो इन्फ्लेशन खा जाता है और उनको जो एक्सपेक्टेड रिटर्न्स था अपने इन्वेस्टमेंट से वो मिल नहीं पाता है। और हमने ये देखा भी कि जब पिछले डेढ़ साल में इंटरेस्ट रेट जैसे जैसे बढ़ने लगे, अगर आप देखेंगे तो सारे एसेट क्लासेस, आप इक्विटीज लें, डेट लें, और भी एसेट क्लासेस लें, तो सारे एसेट क्लासेस में हमने गिरावट देखी। तो इंटरेस्ट रेट हाई होने का ये एक नेगेटिव फैक्टर होता है कि जो वैल्यूएशन फैक्टर्स सब लोग असाइन करते हैं उसको नीचे आना पड़ता है। तो एक हमको ये ध्यान रखना चाहिए कि इंटरेस्ट रेट प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल है। जैसे आपने बताया कि इन्फ्लेशन के जो लास्ट प्रिंट थे थोड़े से ऊपर आ गए, इस तरह इस वजह से वापस इंटरेस्ट रेट के रिस्क लग रही है। तो इंटरेस्ट रेट को इन माहौल में प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल है, बट ये ध्यान रखना चाहिए कि इंटरेस्ट रेट यदि ऊपर जाता रहेगा या स्ट्रॉन्ग रहेगा तो इट विल क्रिएट रिस्क फॉर द वेरियस एसेट क्लासेस इन टर्म्स ऑफ वैल्यूएशन। तो निवेशकों को ये एक बात ध्यान रखनी चाहिए। अब दूसरी बात ये है कि इंटरेस्ट रेट को बीट करने के लिए या इस हाई इंटरेस्ट रेट को अगर उसका बेनिफिट भी लेना है या उस इस एनवायरनमेंट में कैसे निवेशकों को सोचना चाहिए, तो मेरे हिसाब से ये है कि जैसे मैंने बताया कि एक तो है कि जो फिक्स्ड इनकम है या फिक्स्ड डिपॉजिट्स है उनके रेट्स एज कम्पेयर टू द प्रीवियस पीरियड काफ़ी इम्प्रूव हो चुके हैं। तो एक तो है कि लोगों को वहाँ पे एक बेटर रेट एनवायरनमेंट मिल रहा है, तो हो सकता है थोड़ा बहुत एलोकेशन वहाँ पे स्लाइटली हायर रेट पे लॉक करना भी बनता है। दूसरी बात ये मैं बताना चाहूँगा कि इट डजेंट मीन कि इक्विटी एज एन एसेट क्लास जो लॉन्ग टर्म एसेट क्लास है उसको पूरा डी रिकॉग्नाइज करना चाहिए, क्योंकि जैसे मैंने बताया इंटरेस्ट रेट का बढ़ने का कारण मेन होता है जो इन्फ्लेशन ऊपर जा रहा है। तो हम थोड़े हाई रेट पे लॉक भी कर दें तो वो लॉन्ग पीरियड में इन्फ्लेशन को बीट नहीं कर पाते, और इन्फ्लेशन को बीट करने के लिए इन्फ्लेशन बीटिंग एसेट कैटेगरी जो लॉन्ग टर्म में वेरी वेल नोन है जो इक्विटीज है उसमें अपना डिसिप्लिन जो है वो बनाए रखें। तो हो सकता है थोड़े दिन के लिए मार्केट कंसोलिडेट हो, थोड़े दिन के लिए इक्विटीज कहीं ना जाए या करेक्शन आ जाए बिकॉज ऑफ द माइक्रो एनवायरमेंट, बट लॉन्ग टर्म में जैसे आपने बताया वोलेटिलिटी को लॉन्ग टर्म में ये कम कर देता है और इंटरेस्ट इन्फ्लेशन को भी बीट करता है। सो आई थिंक प्रॉपर एक एसेट एलोकेशन निवेशकों को बनाए रखना चाहिए।
चलिए, प्रॉपर एसेट एलोकेशन आपको बना के रखना चाहिए, लेकिन मौजूदा समय में क्या आपको थोड़ा सा हैवी इक्विटी में हो जाना चाहिए या डेट में होना चाहिए, हम समझेंगे विनीत आपसे आगे। लेकिन अब मुझे आपकी रणनीति के बारे में समझना है, क्योंकि इस माहौल में विनीत, जब आप अपनी टीम के साथ बैठते हैं, अपने फंड मैनेजर्स के साथ बैठते हैं, जब इस उतार चढ़ाव को मात देने की कोई रणनीति बैठकर आप उनके साथ बनाते हैं, किन किन फैक्टर्स को आप फिलहाल देख रहे हैं? कॉर्पोरेट अर्निंग्स को देख रहे हैं, गिरते रुपये को देख रहे हैं, ट्रेड डेफिसिट को देख रहे हैं, कौन कौन से रेड फ्लैग्स हैं जिनको आप काउंट इन कर रहे हैं और उसके बाद पूरी एक रणनीति बनाई जा रही है? आपकी एएमसी के तहत बहुत सारे फंड्स हैं, हर फंड्स के लिए अलग अलग रणनीति होगी, थीम्स होंगी, लेकिन ओवरऑल अगर मैं इक्विटी ओरिएंटेड की बात करूं तो किस तरह से रेड फ्लैग्स को ध्यान में रखा जा रहा है? तो सबसे पहले तो जैसे मैंने बताया कि आने वाले जो समय है जहां पे यू नो इंटरेस्ट रेट ऊंचा रहने वाला है और इन्फ्लेशन के कारण कई सारे कंपनीज के प्रॉफिट्स भी, हमने ये जो तिमाही के रिजल्ट आए इसमें थोड़े से प्रॉफिट भी कम हुए हैं अगर हम इनको ध्यान से देखें तो आई थिंक जब ये एनवायरनमेंट हाई इंटरेस्ट रेट का आगे चल के अगर दिख रहा है तो उस परिस्थिति में हमको ऐसा लगता है कि कंपनीज जिनके कैश फ्लो या और ग्रोथ की विजिबिलिटी हाई है, कंपनीज जिनके बैलेंस शीट में लेवरेज कम है या डेट कम है, आई थिंक इन टाइप की जो कंपनीज हैं ये ऐसे एनवायरनमेंट को, ये इस टाइप की कंपनीज जो है सही तरीके से बीट कर पाएंगी। तो आई थिंक ओवर द नेक्स्ट मे बी 1 or 2 years जो हम लोग रणनीति बना रहे हैं उसमें देख रहे हैं कि क्या हमारी कंपनीज इस एनवायरनमेंट में कैश फ्लोज जनरेट कर पाएंगी, क्या इनकी बैलेंस शीट में ज़्यादा डेट तो नहीं है, एक ये टाइप का रिसर्च हो गया, इस टाइप की कंपनीज में हम अपना निवेश सोच रहे हैं। दूसरा ये देख रहे हैं कि बहुत सारी कंपनीज को जो बढ़ती रॉ मटेरियल प्राइस का इम्पैक्ट हुआ है प्रॉफिटेबिलिटी में, क्या आगे जाके इन कंपनीज को रॉ मटेरियल प्राइस गिरने का बेनिफिट आएगा और क्या इनके प्रॉफिट्स बढ़ेंगे। तो हम एक वो देख रहे हैं कि जिस कंपनीज के रॉ मटेरियल प्राइस एनवायरनमेंट अगर इम्प्रूव होता है तो कौन सी कंपनीज के प्रॉफिट इनफैक्ट बढ़ सकते हैं अच्छी तरीके से, तो एक वो टाइप की कंपनीज पे हम ध्यान दे रहे हैं। और तीसरा हम ये ध्यान दे रहे हैं कि जो मैंने फर्स्ट पॉइंट में बताया था कि बिकॉज इंटरेस्ट रेट बढ़ते हैं तो वैल्यूएशंस कम हो जाते हैं, तो इस सिलसिले में जो हाई वैल्यूएशन वाले स्टॉक्स हैं या हाई पी स्टॉक्स हैं उनको रखने के लिए, उसको या उन कंपनीज को देखने के लिए अब हमारा नजरिया या अब हमारा क्राइटेरिया और थोड़ा स्ट्रिक्ट हो जाना चाहिए कि उन कंपनीज की ग्रोथ ऐसा ना हो जाए कि डिसअपॉइंट करे, बिकॉज उनमें स्कोप नहीं होता है कि डिसअपॉइंटमेंट हो तो वैल्यूएशंस नीचे आने का रिस्क रहता है उसमें। तो उसमें हम लोग ये ध्यान दे रहे हैं कि क्या अर्निंग्स डाउनग्रेड के ज्यादा रिस्क तो नहीं है, और नहीं है तो फिर उस वो कंपनीज को जो हाई वैल्यूएशन है उसको बनाए रखेंगे। तो आई थिंक इस तरह की हम लोग रणनीतियां बना रहे हैं जिससे हम ये एटलीस्ट फ्रॉम आवर साइड इनपुट साइड स्ट्रेटेजी ये सोच सके कि हम इसको आगे वाले एनवायरमेंट को बीट कर पाए। नहीं, ऐसे में अगर मुझे समझना हो मिड कैप और स्मॉल कैप के लिए स्पेसिफिकली कहाँ पर चिंता की बात है, और वैल्यूएशन के लिहाज से भी अगर मिड कैप में फिलहाल ठीक ठाक वैल्यूएशंस हैं तो क्या स्मॉल कैप थोड़ा सा ओवर वैल्यूड है, आप क्या पढ़ पा रहे हैं और क्या समझा पाएंगे दर्शकों को? तो एक्चुअली मिड और स्मॉल कैप ये जो दो कैटेगरी, इसका हम 10 साल के एवरेज वैल्यूएशन के हिसाब से कंपेयर करते हैं, और जब मैं देखता हूँ 10 साल के एवरेज वैल्यूएशन से जब मैं कंपेयर करता हूँ तो मिड कैप का जो प्रीमियम है ये कुछ 12% या 13% है इसके 10 साल के एवरेज को यदि हम देखें तो, और स्मॉल कैप जो है अगर हम 10 साल के वैल्यूएशन रेंज देखें तो स्मॉल कैप तकरीबन सेम रेंज में है, 10 साल के एवरेज पे है। तो इन अ वे जो प्रीमियम है वो मिड कैप में थोड़ा ज़्यादा है और स्मॉल कैप इनफैक्ट का वैल्यूएशन मुझे लगता है कि काफ़ी बेहतर है इन करंट एनवायरनमेंट। दूसरी बात ये है कि ये जो अभी हमने मार्केट में गिरावट देखी पिछले 2 महीने से, इसमें एक्चुअली सही बताएं तो ये मिड कैप का भी वैल्यूएशन का प्रीमियम थोड़ा कम हुआ है। पहले 2 महीने पहले तकरीबन 22% के प्रीमियम पे था 10 साल के एवरेज को यदि हम देखें, तो उस हिसाब से थोड़ा नरमाई तो आई है मार्केट में, बट ऐसा नहीं कहूंगा कि हर कैटेगरी बहुत चीप हो चुकी है या इमीडिएटली जाके लेना चाहिए। आई थिंक अगले 2 क्वार्टर मुझे ऐसा लगता है कि ग्रोथ एनवायरनमेंट थोड़ी स्लो रहेगी और इस तरह का जो ये मैक्रो भी सेटअप है जहां इंटरेस्ट रेट स्ट्रांग है और इन्फ्लेशन हाई है
और जियो पॉलिटिकल रिस्क है, वहाँ मुझे लगता है कि मार्केट भी कंसोलिडेट होना चाहिए। कई सेक्टर्स में जहाँ वैल्यूशन ज़्यादा है वहाँ पे अपॉर्चुनिटी बननी चाहिए टू इंक्रीज एक्सपोजर ग्रेजुअली। चर्चा के शुरुआत में हमने एसेट एलोकेशन की बात की है, और ऐसे में जब भी हम इसकी बात करते हैं तो आप मौजूदा माहौल में डेट निवेश को अपने पोर्टफोलियो में नहीं छोड़ सकते हैं। कई मायनों में देखा जाए तो वक्त ऐसा भी है कि बढ़ती ब्याज दरों का फ़ायदा उठाएं और कुछ पैसा अपना डेट में ज़रूर पार्किंग करें, लेकिन इसमें भी कई सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं। अनोखा प्रोडक्ट जो आपकी एमसी की तरफ से हमने आता हुआ देखा वो है स्ट्रिप एफएमपीस का। इस कॉन्सेप्ट के बारे में हमको समझाइए, क्योंकि दिखने में काफ़ी इंटरेस्टिंग है, कमाई के मामले में यहाँ पर कितनी उम्दा कमाई हो सकती है मौजूदा वातावरण में। तो इसका बैकग्राउंड ऐसा है कि हम ये ट्राई करते हैं कि कोई भी सिनेरियो में हम अपने निवेशकों के लिए क्या बेस्ट प्रोवाइड कर सकते हैं। जैसे इक्विटीज़ में भी हमने सही टाइम पे हमारे इंफ्रा फंड को प्रमोट किया था, एक टाइम पे हमने हमारे हेल्थ केयर फंड को प्रमोट किया था, बट ब्रॉडली ये जो हमने डेट में ये जो प्रोडक्ट अभी लाए हैं इसमें हमने ये सोचा कि जैसे अभी इंटरेस्ट रेट काफ़ी ऊपर आ चुका, जनरली कंसेंसस व्यू ये है कि पीक होते हुए नज़र आ रहा है थोड़े एक आध या दो क्वार्टर में, और उसके बाद इंटरेस्ट रेट दोबारा से नरमाई की तरफ जाएंगे, तो कैसे इन हाई इंटरेस्ट रेट को हम लॉक इन कर पाए, तो आइडिया यही था। और इस जो स्ट्रिप एफएमपी है ये एक फिक्स्ड मैच्योरिटी प्लान है, 3 साल के थोड़ा ऊपर का प्लान है, तो जिसमें इंडेक्सेशन बेनिफिट 4 साल का मिलता है। इसमें इन्वेस्टमेंट जीसेक में होने के कारण क्रेडिट रिस्क कुछ है नहीं, और इसमें एक्चुअली अनोखी बात यह है कि हमने ये जो इसके इंटरेस्ट है या कूपन्स जो फ्यूचर के कूपन्स हैं उसको हम स्ट्रिप करके एक्यूमुलेट करके अभी जीसेक में इनिशियल फेज में ही डाल देते हैं, तो इससे होता यह है कि ये जो अभी इस पीरियड या इस ड्यूरेशन का जो एनुलाइज यील्ड है या जो इंटरेस्ट रेट एनुलाइज है उसको हम पूरे के पूरे प्रोडक्ट पे लॉक करने को लॉक कर रहे हैं, और 3.5 साल के बाद निवेशकों को ये सर्टेनिटी रहेगी कि अगर इंटरेस्ट रेट गिरता भी है तो ये जो कूपन्स लो इंटरेस्ट रेट पे आगे चल के यदि इन्वेस्ट होना है तो वो रिस्क इसमें से निकल जाती है, और अभी निवेशकों को ये इंटरेस्ट रेट हाई इंटरेस्ट रेट एनवायरनमेंट का बेनिफिट मिलता है पूरे प्रोडक्ट। इसके अलावा ये तो काफ़ी इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट है, लेकिन इसके अलावा डेट में और ऐसे कौन कौन सी रणनीतियाँ अपनाई जा सकती हैं, बनाई जा सकती हैं, और उससे भी ज़्यादा अहम सवाल, क्योंकि आप इतनी आसान भाषा में समझा ही रहे हैं दर्शकों को, ब्याज दरें बढ़ने का और डेट में आपके ब्याज के बढ़ने का जो कनेक्शन है इस पर भी बात करनी चाहिए। किस तरह से निवेशक को मौजूदा बढ़ती ब्याज दरों में ज़्यादा मुनाफा दिखाई दे रहा है और किस तरह के डेट के प्रोडक्ट्स में, इस पर अगर आप थोड़ा प्रकाश डाल सकें। तो इसमें मुझे ऐसा लगता है जैसे जैसे ये इंटरेस्ट रेट बढ़ते जाता है, इसमें मेन आइडिया तो सिंपल है कि भाई निवेशकों को हाई इंटरेस्ट रेट को लॉक करना है ज़्यादा से ज़्यादा ड्यूरेशन में, तो कोई भी जो डेट के प्रोडक्ट हैं जिसमें लो रिस्क से हाई रिस्क है डिपेंडिंग अपॉन जीसेक इन्वेस्टमेंट है या क्रेडिट कॉर्पोरेट क्रेडिट इन्वेस्टमेंट है, ट्रिपल ए है, डबल ए है, अपने जो रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से थोड़ा बहुत इंटरेस्ट रेट में सब में फ़र्क पड़ता है, बट मोर इम्पॉर्टेंटली ड्यूरेशन का ध्यान रखना चाहिए कि यदि हाई इंटरेस्ट रेट को लॉक इन करना है तो ज़्यादा एट अ हायर रेट थोड़ा ड्यूरेशन बढ़ाएं तो ताकि उसका बेनिफिट लॉन्ग टर्म तक बना रहे। तो आई थिंक ब्रॉडली मैं बहुत डिटेल में प्रोडक्ट वाइज नहीं जाऊंगा, बट मैं ये कहूंगा कि एक निवेशकों को इस दौरान ड्यूरेशन थोड़ा बढ़ाते हुए अपने हाई रेट को ये लोग लॉक कर सकते हैं, और रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से कौन से टाइप के प्रोडक्ट में जाना है वो आई थिंक विल बी वेरी इन्वेस्टर स्पेसिफिक डिपेंडिंग अपॉन देयर रिस्क। चलिए विनीत, थोड़ा सा अब इक्विटी की ओर हम फिर से आ जाते हैं, और मेरे ख्याल से कुछ सेक्टर्स जहां पर मेरे ख्याल से आप लंबा बेट लगा रहे हैं उस पर मैं आना चाहती हूं। किस तरह से आप सेक्टर्स को आइडेंटिफाई कर रहे हैं? पिछले जवाब में आपने काफ़ी कुछ हमें बता ही दिया कॉर्पोरेट अर्निंग्स के लिहाज से, लेकिन दिलचस्पी आपकी किन सेक्टर्स में है कुछ तिमाहियों के नज़रिए को अगर मैं समझना चाहूँ तो? तो इसमें भी जैसे हम लोग जो अभी देख रहे हैं जो करंट माहौल है उसमें एक तो ये है कि ओवरऑल बैंकिंग सेक्टर और जो एनबीएफसीज हैं वो काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दे रही हैं, और ऐसा लगता है कि ये परफॉर्मेंस आगे भी कई क्वार्टर तक सस्टेनेबल रहेगा।
थोड़ा बहुत रिस्क ऑफ हायर इंटरेस्ट रेट है, जहाँ पे जो बैंक से इनके कॉस्ट ऑफ फंड जो ये लोग पैसे उठाते हैं वो कॉस्ट बढ़ रही है, और इनके जो लेंडिंग के जो यील्ड हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है कि ये अपने मार्जिन्स को एक्सपांड करें या नहीं कर पाएं। तो आई थिंक वो रिस्क को मद्देनजर रखते हुए बट ग्रोथ अभी सारे बैंक्स में काफी ठीक आ रही है, तो हमको हमको लगता है कि ग्रोथ बनी रहेगी। और इसलिए और बैंकिंग सेक्टर के वैल्यूएशंस भी यदि हम देखें तो जो लॉन्ग टर्म एवरेज है उससे अभी भी थोड़ा नीचे ही है। तो इसलिए एक तो ये सेक्टर है जहाँ पे सिलेक्टिवली हम लोग इन्वेस्टेड हैं। दूसरा मैं ये कहूँगा कि कंज्यूमर एज अ कैटेगरी थोड़ी स्लो हो चुकी है, लेकिन विद इन कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी ऑटोमोबाइल ऑटो स्टॉक्स ऐसे हैं जहाँ पे ये 3 साल से एक्चुअली लो बिजनेस साइकिल में है, और अब थोड़ा थोड़ा धीरे हम लोग देखेंगे कि कार्स की कैटेगरी देखें या बसेस और MHCV की कैटेगरी देखें, तो इनमें ऑलरेडी ये साल में हमने जो काफ़ी सारा रिकवरी की है, और यदि ये एनवायरनमेंट साइकिल चेंज होती है तो हमने पहले देखा हुआ है कि ऑटो में साइकिल 3-4 साल तक लास्ट करती है अच्छी साइकिल। तो इसमें क्या है, ये सेक्टर में प्रॉफिटेबिलिटी काफ़ी लो हो चुका है, और यहाँ से ऐसा लगता है कि प्रॉफिट्स अगले 2-3 साल में काफ़ी ऊंचे जा सकते हैं, और साइकिल लोस पे है तो ये सेक्टर हमको थोड़ा कंफर्ट देता है और यहाँ पे विजिबिलिटी बेटर है। और इसमें दूसरी बात ये है कि इनमें जो ऑटो एंसिलरी कंपनीज हैं वो भी बेनिफिट करेंगी, न केवल डोमेस्टिक कंपनीज को सप्लाई करेंगी बट ग्लोबली कंपनीज को सप्लाई करेंगी, और ग्लोबली साइकिल जो है वो ग्रेजुअली ओवर नेक्स्ट 2 to 3 years इंप्रूव होना चाहिए। सो दिस इज वन कैटेगरी वेयर वी आर थोड़ा हम पॉजिटिव हैं। तीसरी जो कैटेगरी है वो है फार्मास्यूटिकल कंपनीज की, जहाँ पे हम थोड़ा सा कई वक्त से पॉजिटिव हैं, लेकिन वो अभी तक सेक्टर परफॉर्म किया नहीं है, बट लगता ये है कि उसमें लो बेस फॉर्म हो चुका है, कंपनीज ने काफ़ी सारा पेन देख चुके हैं, कैश फ्लो अच्छे जनरेट करती है कंपनीज, ROEs भी ठीक ठाक बना लेती हैं, और ऐसा लगता है कि जो साइकिल इनका भी है ये भी साइकिल इंप्रूव होना चाहिए। इनके दूसरे भी कुछ तकलीफें थी, जैसे रॉ मटेरियल प्राइस ऊंचे हो रहे थे और दूसरे भी कॉस्ट बढ़ रहे थे, वो सारे भी अब नॉर्मलाइज होंगे अगले 1 साल में। तो आई थिंक गुड पार्ट इज की लो बेस बन चुका है, सारा प्रेशर आ चुका है, और जब एनवायरनमेंट ठीक होगा तो सभी तरीक़ों से ये बेनिफिट होना चाहिए, ग्रोथ भी आएंगी, इनके PE भी रिलेट होंगे। तो आई थिंक दिस इज वन सेक्टर विच वी लाइक। द लास्ट बिट आई वॉन्ट टू से इज ऑन दी ओवरऑल कंजम्पशन एज ए कैटेगरी, जहाँ पे हम अभी देख रहे हैं बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन और ये सब कारणों की वजह से डिमांड एनवायरनमेंट स्लो है, और स्टॉक प्राइजेस और वैल्यूएशंस भी ऊंचे हैं। तो अगले 6 महीने में जब तक ये माहौल थोड़ा ऐसा बना रहेगा कि डिमांड एनवायरनमेंट में भी थोड़ा स्लो रहे और स्टॉक्स अच्छे वैल्यूएशन पे मिले, तो हम इन स्टॉक्स में भी अपनी रुचि बनाएं, हमारी रुचि है और हम इसमें धीरे धीरे अच्छे वैल्यूएशंस पे इन्वेस्ट करना चाहेंगे यदि ये आ जाते हैं तो, क्योंकि कंजम्पशन एज अ स्टोरी इंडिया के लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से काफ़ी पॉजिटिव लगती है और बहुत अपॉर्चुनिटी लगती है हमको। यहाँ पे बहुत मतलब ऑर्गेनाइज सेक्टर प्ले है, कैटेगरी लीडर्स ग्रो होते जा रहे हैं, तो ये और कंपनीज काम अच्छे कर रही है, लोगों की इनकम ग्रोथ हो रही है, तो आई थिंक दैट इज द अदर ब्रॉड कैटेगरीज विच वी आर फोकसिंग। क्योंकि आपने इतने विस्तार से विनीत कंजम्पशन की बात की है, कई रिपोर्ट्स ये भी सामने आती हुई दिखाई दे रही है जहां पर लोगों का कहना है या एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि महंगाई की चुभन अब लोगों को महसूस होनी शुरू हो गई है, ख़ासतौर से अगर हम रूरल एरियाज़ की बात करें, गांव कस्बों की बात करें। अब लोगों ने पिछले त्योहारी सीज़न में तो देखा हमने कंजम्पशन की, अगर जो स्टोरी की आपने पूरी बात की है, लंबी अवधि में शायद ही ये बहुत ही यकीनन हो सकता है कि बहुत बढ़िया स्टोरी उभर के निकले, लेकिन तिमाही कुछ तिमाहियों में अगर मैं आने वाले वक्त में बात करूँ, 2 से 3 तिमाहियों में, आपको लगता है कि ये ओवरऑल स्टोरी परेशान करेगी और कहीं ना कहीं इसकी वजह से एक विलन तो महंगाई ही रहेगा इसका साफ तौर से, और इसकी वजह से कहीं ना कहीं निवेश में भी कुछ कमी आती हुई दिखाई देगी, बिकॉज डेटा ये भी कहता है कि भले ही लोगों ने अपनी SIPs अभी भी इंटैक्ट रखी है, लेकिन ओवरऑल इक्विटी में जो निवेश आता हुआ दिखाई दे रहा है रिटेल इन्वेस्टर्स की तरफ से, उसमें थोड़ा सा धीमापन है।
तो ये तो है कि ये कंजम्पशन जो स्लो डाउन है और महंगाई के कारण लोगों की जो कैपेसिटी है वो कम हुई है और वो दिखाई दे रही है। और ये शायद ये बोलना मुश्किल है कि एक तिमाही दो तिमाही, बट है मतलब ये ऐसा हमको भी लगता है कि एक दो तिमाही तक ये शायद परेशानी बनी रहे। बट एक आध डेटा पॉइंट हम और भी देख रहे हैं कि क्या इनकम ग्रोथ आ रही है। तो हम जब कंपनीज का डेटा देखते हैं और पिछले 9 महीने का जब हम डेटा देखते हैं जो रिजल्ट आ चुके हैं ये साल के 9 महीने के, उसमें जो वेज ग्रोथ का जो नंबर है वो तकरीबन 17% से इंप्रूव हुआ है ओवरऑल। अभी कुछ कंपनीज में नहीं हुआ होगा, कहीं में ज्यादा हुआ होगा, बट ऑन एन एवरेज 17% से इंप्रूव हुआ है। सो दैट इज अ गुड नंबर। चलिए, चर्चा में हमने काफ़ी हद तक शॉर्ट टर्म पर तो फोकस किया ही है, लेकिन क्योंकि निवेश की बात हो रही है, थोड़ा सा लॉन्ग टर्म नज़रिया भी यहाँ पर बनाकर रखना चाहिए। इक्विटी में अगर मैं बात करूँ, किसी के पास अगर क्षमता हो अपने पैसे बढ़ाने की, तो कहाँ, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, कहाँ पर बढ़ाया जाए अगर एलोकेशन बढ़ाना हो, लंबे लंबा नज़रिया हो? एक्चुअली एक जनरलाइज करना मुश्किल है, बट मैं ब्रॉडली एक प्रिंसिपल ऐसे बताता हूँ। जो यंग हैं जिनके नौकरियां लगी हैं उनकी सैलरीज बढ़ने वाली हैं और वो आगे ग्रो करेंगे, मतलब ये एक अनुमान रहता है जनरली सबका। और एडवाइस ऐसी दी जाती है कि जो नए एंटर कर रहे हैं उनको कंजर्वेटिवली एंटर करना चाहिए। बट मेरे हिसाब से यंग इन्वेस्टर्स को तो स्मॉल कैप एंड मिड कैप कैटेगरी जो लॉन्ग टर्म के हिसाब से सभी को लॉन्ग टर्म देखना चाहिए, उसमें बिल्कुल अपना एलोकेशन थोड़ा ज़्यादा बनाए रखना चाहिए। क्योंकि जब मैं देखता हूँ कि अगर हम नियर टर्म के परफॉर्मेंस को नज़रअंदाज करें, 1 साल 2 साल 3 साल और 7-8 साल के बाद हमारा पोर्टफोलियो ओपन करके देखें, तो उसमें जो कंपाउंडिंग का एक जो वेल्थ क्रिएशन दिखता है वो बहुत ही अच्छा दिखता है। मतलब ऐसा लगता है कि कुछ मैजिक हो गया है, और तो वो सबको बेनिफिट लेना ही चाहिए। और फिर डिपेंडिंग अपॉन द योर एज, रिस्क प्रोफाइल, आई थिंक द कैटेगरी सिलेक्शन की लार्ज कैप में या मल्टी कैप में कितना होना चाहिए। बट मेरे हिसाब से मोस्टली सबको अपने एसेट एलोकेशन स्ट्रेटजीज और रिस्क के हिसाब से ध्यान रखनी चाहिए। और दूसरी बात यह है कि अगेन जिनको थोड़ा कन्फ्यूजन है उनको डाइवर्सिफाइड कैटेगरी में चले जाना चाहिए, जहाँ पे फंड मैनेजर अपने हिसाब से उसको कैटेगरी में चेंज करता है, बिकॉज अपॉर्चुनिटी सब जगह पे है, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप। तो आई थिंक ये अगेन आई वुड से कि डिपेंडिंग अपॉन द रिस्क प्रोफाइल पीपल शुड एलोकेट। और एक इंपॉर्टेंट बात है कि डिसिप्लिन जरूर मेंटेन करें, क्योंकि कई बार होता ही है कि हम उस मोमेंटम में कई बार बह जाते हैं कि अगर स्मॉल कैप बहुत अच्छा कर गया और अपना कैटेगरी का वेट वो बढ़ गया है तो फिर कम नहीं करते हैं, फिर वोलेटिलिटी बढ़ जाती है। बट वो एक डिसिप्लिन अगर यदि मेंटेन करें तो आई थिंक लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छा रिटर्न आता है। मेरा समय लगभग ख़त्म हो गया है, लेकिन सवाल ख़त्म नहीं हो रहे, लेकिन फिर भी मैं एक आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहती हूँ, क्योंकि पिछले दिनों मुझे पता है आप स्टॉक स्पेसिफिक बातें नहीं करते हैं और शायद इस पर कमेंट भी नहीं करना चाहें, लेकिन इन्वेस्टर एजुकेशन के पर्पज़ से शायद इस सवाल का जवाब आप देना चाहेंगे। तो अदानी ग्रुप की कंपनियों को लेकर काफ़ी हल्ला बोल यहाँ पर हुआ है, काफ़ी कंट्रोवर्सीज आई हैं, लेकिन अच्छी बात यहाँ पे समझने की ये है कि बाज़ार ने इसको हज़म कर लिया, बाज़ार ने इसको पचा लिया। तो कहीं ना कहीं बाज़ार की मैच्योरिटी यहाँ पर देखनी चाहिए, और साथ ही निवेशकों को भी ये समझाना चाहिए कि अगर आपके पोर्टफोलियो में कोई ऐसा फंड है जहाँ पर किसी भी प्रकार का एक्सपोजर इस तरह की कंपनी में है, किसी भी फॉर्म में हो, ज़रूरी नहीं है कि जो बाज़ार में आपने गिरावट देखी है वही आपके फंड में भी आपको दिखाई देगी, और इसके चलते आपको उस फंड से एग्जिट करने का निर्णय ले लेना चाहिए। ये एक ऐसा एंगल है जो मैं चाहती हूँ कि आप दर्शकों को समझाएं, और किस तरह से हमने पहले भी देखा है कि जिस तरह के क्राइसिस हुए हैं बाज़ार ने रिएक्ट किया है, लेकिन अब की बार जो बाज़ार ने मैच्योरिटी दिखाकर एक बार फिर से रफ्तार पकड़ी है, उसे आप कैसे देखेंगे? नहीं, मेरा ये मानना है कि बाजार जो मतलब अगर आप किसी भी टाइप का एनालिसिस कर लीजिए, बाजार का लॉन्ग टर्म एनालिसिस जब हम करते हैं तो ये देखते हैं कि बाजार सबसे ज्यादा रिस्पेक्ट करता है कंपनी फंडामेंटल्स को और ग्रोथ को। तो हम हमने शायद 1993 से एक डेटा एनालाइज किया है कि कॉर्पोरेट की जो अर्निंग्स है वो तकरीबन 10% से ग्रो हुई है और मार्केट ने भी 9% का सीएजीआर दिया है। तो मैं ये कहूँगा कि जो लॉन्ग टर्म है उसमें जो बाजार कंपनीज और जो जिस चीज़ को रिस्पेक्ट करती है वो है ग्रोथ। तो आई थिंक अपने जो अपना जो करंट कॉन्टेक्स्ट है, अपना यू नो व्हाट वी हैव टू थिंक इज क्या
हमारी कंपनीज 10-12% से ग्रो कर पाएंगी अगले 10 सालों में या 15 सालों में, तो यदि वो हमको लगता है कि कर पाएंगे, मतलब वही एक सबसे बड़ा हमारा एजम्पशन जो रहता है कि ये इंडिया में अपॉर्चुनिटी बहुत है और एंटरप्रेन्योरिज्म बहुत है, तो ये ग्रोथ आएगी, तो ग्रोथ आएगी तो उसमें रिटर्न आएगा। अब इसके बीच में कई बार कई सारे रिस्क आते जाएंगे, ग्रोथ इकोनॉमी है तो कोई ना कोई रिस्क हमको नजर आएगा, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट रिस्क होगा, कॉर्पोरेट बड़ा रिस्क होगा, बैंकिंग के कुछ रिस्क होंगे, तो कुछ भी रिस्क तो आ सकती है, बट ये हर बार हमने देखा है कि मार्केट वो रिस्क कुछ दिनों में एनवायरनमेंट नॉर्मल हो जाता है और पीपल जस्ट मूव ऑन, कंपनीज जस्ट मूव ऑन, नन ऑफ द गुड कंपनीज वो अपना कारोबार बंद करती है या कंपनी शट हो जाती है। हाँ, जो खराब कंपनीज है जहाँ पे गवर्नेंस इश्यूज है वो कंपनीज के तकलीफें हो जाएंगी, बट जो अच्छी कंपनीज है वो चलती रहेंगी और अपना ग्रोथ करती रहेंगी। तो निवेशकों को ये ध्यान रखना चाहिए कि जो जहाँ पे भी इन्वेस्ट कर रहे हैं, यदि पैसा अच्छे कंपनीज में लगा है, अच्छे फंड में लगा है, हो सकता है कि साइकिल्स में कभी अपना परफॉर्मेंस नहीं आ रहा है, कभी कम आ रहा है, बट लॉन्ग टर्म में अच्छे निवेश का रिजल्ट अच्छा ही आता है और ये हमने होते हुए देखा है। इसलिए शॉर्ट टर्म वोलेटिलिटी को नजरअंदाज करते हुए आई थिंक लॉन्ग टर्म का जो अपना एक मार्च है वो बनाए रखना चाहिए। चलिए, काफ़ी विस्तार से आपने तमाम बारीकियां सामने रखी। दर्शकों के बहुत बहुत धन्यवाद विनीत, आपने समय निकाला इस चर्चा के लिए। थैंक यू वेरी मच कविता।